दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बांका ब्रांड के एक ऐसे खास अतर के बारे में जिसकी खुशबू काफ़ी रूहानी टाइप की खुशबू है और इस अतर का नाम है मुखल्लत सलाद। नमस्कार दोस्तों, परफ्यूम रूट में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिद्धू। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको परफ्यूम लगाने अच्छे लगते हैं या परफ्यूम के बारे में अगर आपको जानना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इनके ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ दोस्तों, और साथ लगे बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं आज आपको बांका ब्रांड के एक ऐसे खास अतर के बारे में बताऊँगा जिसकी खुशबू काफ़ी रूहानी है। ये जो अतर है दोस्तों बांका ब्रांड का एक नया लॉन्च किया गया अतर है जिसका नाम है मुखल्लत सलाद। जो बांका ब्रांड है ये एक इंडियन ब्रांड है और मुखल्लत सलाद की अगर मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊं दोस्तों तो प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ ज़्यादा दिखाने वाला नहीं है क्योंकि एक सिंपल बॉटल है और पर बॉटल जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी बॉटल है, एक क्यूट सी बॉटल है, एक हैवी ग्लास की बॉटल है। तो और ये जो बॉटल है दोस्तों एक ऐसे पाउच के अंदर आती है जो कि ब्लू कलर का पाउच है, इस पाउच के अंदर आपको ये बॉटल मिलेगी। तो बांका ब्रांड के अतर के अंदर खास बात क्या है कि जो इनके एसेंशियल ऑयल्स हैं काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हैं। बहुत सस्ते प्राइस के अंदर जो इनके ऑयल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, अतर जो हैं काफ़ी सस्ते प्राइस के अंदर हाई क्वालिटी वाले अतर आपको मिल जाएंगे। और इनकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखेंगे जाके दोस्तों तो ये सिर्फ अतर बनाने के अंदर ही काम करते हैं और इनकी वेबसाइट पे आप देखेंगे कि आपको हर तरीके के अतर आपको मिल जाएंगे, अच्छी अच्छी क्वालिटी के अतर आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बांका अपने अतर बनाने के अंदर शुद्ध क्वालिटी के ऑयल यूज़ करता है और अल्कोहल, ये जो वर्ड है दोस्तों इनका इनके अतर से कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि इनके जो अतर हैं बिल्कुल अल्कोहल फ्री हैं। और जैसे इस अतर का नाम है मुखल्लत सलाद, तो मुखल्लत सलाद का मतलब क्या है दोस्तों, जो मुखल्लत है वो एक मिश्रण है, इसका मतलब है कि मिश्रण, एक शुद्ध मिश्रण, और जो सलाद है दोस्तों वो एक प्रेयर होती है। इस अतर के अंदर एक ऐसा मिश्रण है इसे जैसे कि फ्लोरल और सैंडलवुड, सेफ्रॉन और उसके साथ जैस्मिन रोज़ का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा मिश्रण है जिसको आप पूजा पाठ करते समय, प्रेयर करते समय जब आप जाते हैं तो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनके इस अतर के अंदर एक ऐसी खुशबू है दोस्तों, एक डिवाइन टच है, एक बहुत ही रूहानी सी खुशबू है इस अतर के अंदर क्योंकि इसके अंदर जो यूज़ किए गए हैं दोस्तों एक ट्रेडिशनल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूज़ किए गए हैं जैसे कि सैंडलवुड, सेफ्रॉन, रोज़, मस्क और उसके साथ जैस्मिन का कॉम्बिनेशन। सेफ्रॉन और सैंडलवुड का जो कॉम्बिनेशन है इसके अतर के अंदर सॉफ्ट अर्थी टोन, सॉफ्ट मिल्की टोन, उसके साथ आपको इसके अंदर एक ओरिएंटल, एक क्लासिकल ओरिएंटल, एक वुडी टच मिलने वाला है एक खट्टी और मीठी खुशबू के साथ। और इसके अंदर रोज़ और जैस्मिन का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके अंदर एक बहुत ही ओपुलेंट फील देता है, फ्लोरल टोन के साथ एक ओपुलेंट फील मिलने वाली है, लेमनी फ्रेश, एक क्लीन लेमनी फ्रेश जो टोन होती है दोस्तों वो इसके अंदर आपको मिलने वाली है। मस्क भी इसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा जो कि इसको एक बहुत एक लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो सारी की सारी चीज़ें जो एक पूरी कॉम्पोजिशन है इस अतर के अंदर वो बहुत ही बेहतरीन है, मैं कहूँगा कि जो इनका ब्लेंड है काफ़ी ज़बरदस्त है। और अगर मैं इस अतर की परफॉर्मेंस और लास्टिंग की बात करूँ तो वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने अतर को लगाया किस तरीके से है। तो जिस तरीके से मैं अतर लगाता हूँ दोस्तों उस तरीके से अगर आप भी लगाएंगे तो आपको अतर से काफ़ी अच्छी लास्टिंग मिलने वाली है। तो इसकी लास्टिंग मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों कि जो मुझे मिली इसकी लास्टिंग, मुझे 3 से लेकर 4 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा मिला और इसकी लास्टिंग मुझे 8 से लेकर 9 घंटे तक, मैक्सिमम 10 घंटे तक ऐसी मिलती रही पूरे दिन के अंदर कि आसपास वाले को भी हल्की हल्की महसूस हो रही थी और मुझे भी महसूस हो रही थी। और वैसे अगर मैंने इसको चेक करा दोस्तों अगले दिन तक भी मुझे ये कपड़ों पर महसूस हो रहा था। तो ये लास्टिंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इस अतर का। तो अतर को लगाने का सही तरीका क्या है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग मैंने देखे हैं दोस्तों कि अतर को लगाते किस तरीके से हैं, जैसे कि ये जो अतर है मेरे पास दोस्तों तो ये रोल ऑन वाला अतर है। वैसे जब आपके पास ये बॉटल पहुँचेगी, जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन मिलेगी, रोल ऑन और उसके अंदर आपको एक स्टिक भी मिलेगी, आप चाहे रोल ऑन से लगाएं चाहे स्टिक निकाल के आप लगा सकते हैं। तो कुछ लोग अतर को लगाते कैसे हैं दोस्तों, जैसे कि ये रोल ऑन वाला अतर है तो या तो उसको ऐसे डायरेक्ट लगाएंगे अपने हाथ के ऊपर या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे,
तो कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं दोस्तों कि वो अतर को डायरेक्ट अपनी शर्ट के ऊपर, वाइट शर्ट के ऊपर या वाइट टी शर्ट के ऊपर डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो हो सकता है उससे आपको हल्के हल्के दाग जो हैं दोस्तों शर्ट या टी शर्ट के ऊपर मिलेंगे। तो अतर लगाने का एक सही तरीका क्या है जिससे आपको लास्टिंग भी अच्छी मिलेगी और शर्ट पे आपके दाग भी नहीं आपको मिलेंगे, तो आपने करना क्या है दोस्तों अतर लगाने के लिए, कि अगर आपने ऐसे ही रोल ऑन से लगाना है अतर, आपने हाथ के इस जगह पर अतर लगाना है, तो काफ़ी क्वांटिटी के अंदर, काफ़ी मात्रा के अंदर आप यहाँ पे इसको पहले रोल ऑन से अतर लगा लीजिए, और उसके बाद आपने इस अतर को पूरे दोनों हाथों पे ऐसे रगड़ना नहीं है, सिर्फ हल्का सा आपने दो या तीन बार ऐसे करना है, उसके बाद ये दोनों हाथों पे या आपके इस जगह पे लग जाएगा। तो आपने अपने हाथों से 1, 2, 3, 4 और दूसरे हाथ से भी दोस्तों 1, 2, 3, 4, तो आपने अभी जिस तरीके से मैंने लगाया आप इसी तरीके से अतर को लगाना, उसको ऐसे मसलना नहीं है आपने अपने कपड़े के ऊपर, ये पहली बार तो आपने ऐसे ही करना है। अब आपके हाथों पे, दोनों हाथों पे ये थोड़ा थोड़ा अतर आपको बचा हुआ दिखाई देगा, तो बचे हुए अतर को आपने दोस्तों यहाँ पे लगाना है इस तरीके से, और फिर भी ये बच जाएगा तो आपने अतर को इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। तो जितना भी अभी बचेगा दोस्तों तो सारा का सारा आपने कपड़ों पे इस तरीके से लगा देना है। तो दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, कि अगर आपको प्रोजेक्शन और लास्टिंग ज़्यादा चाहिए तो आपने करना क्या है, आपने 3 या 4 ड्रॉप अपने अतर से अपने हाथ पे लेने हैं ऐसे। वैसे मैंने इसको अभी बंद किया हुआ है, आपने जब भी उसको यूज़ करना है तो उसको निकाल के 3 या 4 ड्रॉप आपने अतर के लेने हैं, उसके बाद आपने 2 या 3 बार ऐसे ही करना है सिर्फ, आपने फिर वैसे ही लगाना है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 और बचे हुए अतर को दोस्तों आपने हल्का सा अपने कानों के पीछे इस गर्दन के साथ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों नसें होती हैं वो गर्म रहती हैं, तो यहाँ से जो अतर या परफ्यूम जब हम लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है देर तक। तो बचे हुए, बाकी बचे हुए अतर को आपने फिर दोस्तों यहाँ पर ऐसे लगा लेना है साइडों से इस तरीके से, और बाकी इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आप अतर लगाएंगे आपको लास्टिंग और प्रोजेक्शन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से लगाने से अतर को ऐसे लगेगा कि जैसे कि परफ्यूम जैसे प्रोजेक्ट करता है, उस तरीके से अतर भी प्रोजेक्ट करेगा। और दोस्तों अगर आप ये मुखल्लस सलात अतर ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी जो खुशबू है काफ़ी ख़ास और एक रूहानी टाइप की खुशबू है, तो काफ़ी एक प्यारी खुशबू है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका जो प्राइस है ये आपको 2 ml और 6 ml के अंदर मिलेगा। 2 ml का जो प्राइस है वो आपको 267 रुपीस के अंदर मिलेगा, और अगर आप ये 6 ml वाली बॉटल खरीदना चाहते हैं जैसे कि मेरे पास है, तो ये आपको 799 रुपीस के अंदर मिल जाएगी। और इनकी वेबसाइट का लिंक और इनके इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाके इनसे कॉन्टेक्ट करके ये अतर आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रिव्यू आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना दोस्तों कि अगर आप बांका ब्रांड का कोई अतर यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसके साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए